क्या हर घर तक विकास पहुंच गया? पात्र युवाओं को रोजगार मिल गया? किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? इसका जवाब आप बढ़िया से जानते होंगे, लेकिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव का तो यही मानना है। उनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ा है। जहां आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, वहां साथ साथ सेवा और समर्पण की भावना से गरीब कल्याण की योजनाएं भी जमीन पर उतारी जा रही है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए। 8 साल की उपलब्धि जनता को बताने के लिए भाजपा सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव जहानाबाद पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई। सच पूछिए तो समाज के हर तबके में एक व्यापक अभियान चला है परिवर्तन का, और हर तबका इस बात को महसूस कर रहा है कि 2014 के पहले की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत अंतर आया है। चाहे वो देश की सुरक्षा का सवाल रहा हो तो, देश के मान सम्मान बढ़ने का सवाल रहा हो तो, गरीबों के कल्याण की योजनाएं जमीन पर उतरने का विषय रहा हो तो, हर क्षेत्र में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सब वर्गों के विकास के लिए मोदी सरकार ने जो काम किया है उसकी लगातार प्रशंसा हो रही है। नंद किशोर यादव ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर गरीब, गुरबों, किसानों, महिलाओं और वंचितों को उनके अधिकार दिला रहे हैं, जिससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। साथ ही देश की विकास यात्रा में तेजी आई है। उन्होंने कश्मीर से लेकर अन्य तमाम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं कुछ सवालों पर नंद किशोर यादव ने चुप्पी साधी। उन्होंने कहा कि आज इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। $5 ट्रिलियन अगला बार बताएंगे। जनगणना के समर्थन में तो पहले से भी हम रहे हैं। जब विधानसभा के अंदर दो दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ तो उसमें बीजेपी सरकार में शामिल थी, तो ये अलग होने का सवाल, तो आरजेडी का यार कहाँ फिर हम भटका दोगे हमको, अलग से कर ले रहे भैया, अलग से कर ले। नंद किशोर यादव की बातों में कितना दम है ये आपसे छुपा नहीं है। आप खुद कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि नंद किशोर यादव की बातों से आप सहमत हैं या नहीं। जहानाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।